एक्सिस बैंक के तरफ से ये इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड मुझे मिला हुआ है, और मैं मुझे जो है पहले फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मिला हुआ था, उसी के बेसिक पे जो है मुझे ये इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है। और इसका जो है अनबॉक्सिंग मैंने कर दिया, पहले ही निकाल के चेक कर लिया, ये इस प्लास्टिक में आया हुआ था, और इसको मैंने ओपन कर दिया। और साथ में मैंने आपको दोबारा से दिखा देता हूँ ये किस तरह से आया हुआ था। कुछ इस तरह का पैकेजिंग रहता है, और पीछे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। अगर आपका एड्रेस नॉट टैक्सेबल होगा, कस्टमर शिफ्टेड, डोर लॉक्ड, ये सब प्रॉब्लम अगर आपके रहेगा तो आपका जो कार्ड है यहाँ पे डिलीवर्ड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसको फटाफट ओपन कर देता हूँ, और साथ में इसका पूरा एक्टिवेट बताऊँगा कि इसको कैसे एक्टिवेट करना है, और साथ में इसके क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट है, कैसे मैंने अप्लाई किया, ये सारे प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं फटाफट इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ओपन तो मैंने ऑलरेडी पहले ही किया था, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए फिर से ओपन कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह का ये बॉक्स आता है, तो मैं इसको फटाफट रख देता हूँ साइड। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे है कार्ड का जो लिमिट है, यहाँ पे 2,38,000 रुपया मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स कुछ वीडियो में बताता है यूट्यूब पे कि वहाँ पे जो है ज्वाइनिंग फीस नहीं लगता है और एनुअल फीस फ्री है, पर यहाँ पे जो है मुझे दोनों ही लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ज्वाइनिंग फीस भी 500 लगा हुआ है और एनुअल फीस भी 500 रुपया लगने वाला है। पर इसके फ्रेंड्स कुछ टर्म एंड कंडीशन है, अगर मैं उस टर्म एंड कंडीशन को पूरा कर लूँगा तो ये 500 रुपया जो एनुअल फीस लगा हुआ है ये मुझे नहीं लगेगा। और साथ में जो ज्वाइनिंग फीस मुझे 500 रुपया मिला है, इसमें जो है मुझे 250 रुपये का कैशबैक रिसिप्ट हो जाएगा। तो एक तरह से मान के चलिए ज्वाइनिंग फीस जो है आपको 250 रुपया ही लगेगा, क्योंकि ये 100% गारंटी है 250 रुपया कैशबैक का। तो चलिए मैं इसको फटाफट ओपन कर लेता हूँ। इसमें कुछ पेपर है यहाँ पे, कैसे कैसे आपको इस कार्ड को ओपन करना है ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेप वन में इसको UPI की तरह कैसे इस्तेमाल करना, ये रुपए क्रेडिट कार्ड है। लेकिन सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पे कार्ड निकाल के दिखा देता हूँ, और कार्ड निकाल के दिखाने के बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा और सब कुछ लाइव करके दिखाऊँगा। यहाँ पर कार्ड जो है फ्रेंड्स कुछ इस तरह का चिपका हुआ आता है, आप देख सकते हैं। और ये है कुछ कार्ड ऐसा, और यहाँ पर जो है ये रुपए क्रेडिट कार्ड है। तो फ्रेंड्स इसको जो है आप UPI के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप फोन पे, अमेजोन पे या कोई भी पेटीएम में पैसा भेजते हैं तो आप इस कार्ड को यहाँ पे ऐड करके आप वहाँ से पैसा किसी को भी भेज सकते हैं। पहले जो वीज़ा कार्ड होता था फ्रेंड्स उसमें आप किसी को पैसा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन आप इसको यहाँ पे UPI के थ्रू इस कार्ड का लिमिट को आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये कार्ड मुझे मिला हुआ है, यहाँ पर कन्हैया कुमार नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और पीछे का जो कुछ स्क्रीन है, कुछ इस साइड का है पीछे का लुक। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फटाफट आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है वाईफाई का जो लोगो भी दिया हुआ है, तो आप इसको वाईफाई के थ्रू भी जो है यूज कर सकते हैं इस कार्ड को। साथ में यहाँ पे इस कार्ड में क्या क्या बेनिफिट है साथ में ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अर्न अप टू 5% वैल्यू बैक ऑन योर फ्यूल स्पेंड। यहाँ जो है 5% जो है मिल रहा है आपको ऑयल पे, और उसके बाद 1% वैल्यू बैक ऑन ऑनलाइन शॉपिंग यूजिंग, और अगर आप 1% का आपको यहाँ पे जो बैक मिलता है ऑनलाइन शॉपिंग में मिलता है। स्टार्ट यूजिंग योर कार्ड टुडे एंड एंजॉय ए हॉस्ट ऑफ। तो पूरा ये आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, साथ में यहाँ पे इसके क्या क्या बेनिफिट है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है एज रिवार्ड्स पॉइंट ऑन एवरी RS 100 स्पेंट ऑन योर फ्यूल एट IOCL आउटलेट्स। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे इंडियन ऑयल क्रेडिट पे जब आप इसका यूज करेंगे इस क्रेडिट कार्ड का, तो आपको जो है हर एक 100 रुपया पे 20 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा। वहीं पे आपको अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको 5 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा 100 रुपया पे, और अदर जगह कहीं भी कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपया पे 1 रिवार्ड पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 1% जो फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलने वाला है, और साथ में यहाँ पे जो है 250 रुपये का अप टू 250 कैश बैक ऑन फ्यूल स्पेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 250 रुपया कैश बैक मिलने वाला है अगर आप कार्ड को 30 डेज के अंदर इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट टाइम जब भी आप यूज कर रहे हैं कार्ड का, तो आपको मैक्सिमम 250 या 250 से ऊपर का ही आपको करना है, और फ्यूल पे जाके करना है जहाँ पे आपको ये 250 रुपया का कैश बैक मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम 100 रुपये का अगर फ्यूल डलवाया तो आपको 100 रुपये के हिसाब से ही कैश बैक मिलेगा, और सेकेंड टाइम जब आप 300-400 का डलाएंगे तो उसमें आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको ध्यान रहे कम से कम 250 का फ्यूल डलवाना है या फिर 250 से ऊपर का डलवाना है, तभी आपको 250 रुपया कैश आप पूरा 100% ले पाएंगे। साथ में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपको जो कार्ड है यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट है। एड डिलाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है अपटू 20% ऑफ एट 4000+ पार्टनर्स रेस्टोरेंट्स।
तो जो भी एक्सिस बैंक का पार्टनर्स रेस्टोरेंट है उस पर जो है 20% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा वहीं पे, एक्साइटिंग डिस्काउंट ऑन मेक माई ट्रिप पे, या बिग बाजार, ग्रोफर्स और ये गोवीवो एंड टाटा क्लिप एवरी वेडनेसडे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो जो भी इसका जुड़ा हुआ है अटैच है इससे उस सब पे आपको यहाँ पे ऑफर देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन बुक माई शो वाला जो बुक माई शो होता है उस पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। इसको एक्टिवेट कैसे करना है यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। एक्सिस मोबाइल ऐप में जाना है, लॉग इन करना है, सपोर्ट यहाँ पे पूरा प्रोसेस इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, एक्सिस बैंक ATM के थ्रू भी कर सकते हैं और फोन बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनेबल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। इस कार्ड में जो जो फैसिलिटी है, एक्टिवेट कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन और साथ में इनेबल इंटरनेशनल यूजेस, कस्टमाइज कार्ड लिमिट्स, ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं, ये सारा फैसिलिटी इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स। और बाकी यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर भी दिया हुआ है। तो चलिए ये सब पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊँगा कि इस कार्ड को जो है आपको एक्टिवेट कैसे करना है फ्रेंड्स, और सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे दिखा रहा है ये इस पेपर में। तो आपको इसको UPI के तरह कैसे यूज करना है। नाउ मेक UPI पेमेंट थ्रू योर एक्सिस बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड, लिंक योर एक्सिस बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड UPI ऐप। जो UPI में है जो इस कार्ड को आपको लिंक करना है, तभी आप वहाँ पे जैसे डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है, UPI का ऑप्शन आता है, वैसे वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। आप उसके अटैच करके आप पैसा किसी को भी भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। तो चलिए मैं इसको जो है आपको अब ऑनलाइन जो है यहाँ पे एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको यहाँ पे जो है एक्सिस मोबाइल ऐप जो है मैंने यहाँ से ओपन करके रखा है, क्योंकि मैंने पहले से इसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए यूज करता था। तो आपको यहाँ पे जो है अपना ऐप को ओपन कर लेना, अगर आपने ऐप को ओपन नहीं किया है तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। और ओपन करने के बाद जो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आपको इसको लिंक करना है। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे जो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है कार्ड्स एंड फॉरेक्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट इंटरफेस इस तरह का आएगा। आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्रेडिट कार्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ओपन हो रहा है, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ओपन होने के बाद। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मेरा 181,341 रुपया का मैंने इसका यूज किया हुआ है, और इतना आउटस्टैंडिंग मेरा बैलेंस है पहले का फ्लिपकार्ट का। तो चलिए अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को इसमें लिंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो आपको कार्ड अगर आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो ये कार्ड आपको यहाँ पे शो करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे जो है अनबॉक्स का ऑप्शन है, आपको इस अनबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अनबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे ऑप्शन इस तरह का आएगा, डिलीवरी वेरीफाइड, जो आपका कार्ड अगर डिलीवरी हो जाएगा तो आपको यहाँ पे कार्ड इस तरह से शो करेगा। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर चूजिंग अस एज योर नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड, और ये मेरा दूसरा क्रेडिट कार्ड है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इस कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो आपको यहाँ पे चालू रहने देना है, टैप एंड पे करना है तो चालू रहने देना है। फिलहाल मैं बंद करता हूँ, ATM से भी आपको पैसा नहीं निकालना है इसीलिए इसको बंद कर देना, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज लग जाएगा। और POS होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप कोई भी मशीन में जैसे आप कार्ड को स्वाइप करके डालते हैं और पैसा जो निकालते हैं वो POS होता है। तो चलिए मुझे इसमें भी यूज नहीं करना है तो मैं इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ, क्योंकि इस कार्ड को मैंने ओनली UPI के तरह यूज करने के लिए लिया हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे सारे बंद कर दिया और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इंटरनेशनल यूसेज के लिए अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सारा आपको ऑफ कर देना है और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है आपका कार्ड नंबर दिखा देगा, जो भी कार्ड आपको मिला हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि जो है सेंड OTP टू सेट पिन, तो आपको इस कार्ड का जो पिन सेट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ से सेंड OTP टू सेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स डाल दिया। और डालने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है MPIN यहाँ पे डाल देना है 4 डिजिट का, और जो ऊपर में डालना है वही आपको कंफर्म नीचे भी डालना है। इस तरह से फ्रेंड्स पिन डालने के बाद आपको यहाँ से सेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे MPIN डालना है, जो आपका
ऐप का जो एम पिन है, तो चलिए मैं यहाँ पे एम पिन डाल देता हूँ। इस तरह से पिन डालने के बाद फ्रेंड्स आपका जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे सक्सेसफुली जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कंग्रेचुलेशंस, योर कार्ड इज सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। मेरा कार्ड यहाँ पे दिखा दिया। इस कार्ड का जो लिमिट है फ्रेंड्स 2,38,000 रुपया है, लेकिन यहाँ पे 1,81,000 तो मैंने ऑलरेडी इसको यूज कर चुका हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे इसका डैशबोर्ड पे चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 590 रुपया दिखा दिया। जो ज्वाइनिंग फीस है वो आपको लग गया है यहाँ पे 590 रुपया, 500 रुपया प्लस 18% GST प्लस। इसमें फ्रेंड्स हम क्या करेंगे 250 रुपया यूज कर देंगे, लेकिन फिर भी जो हमें 300-350 के लगभग में जो है चार्ज लग जाएगा इस कार्ड में। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए इसमें जो है चार्ज जो लगता ही लगता है। अवेलेबल क्रेडिट लिमिट ऑनली 56,658 रुपया है, क्योंकि 2,40,000 में मैंने 1,81,000 रुपया ऑलरेडी मैंने यूज किया है। और अगर आप कार्ड को यहाँ पे मैनेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे करंट स्टेटमेंट का ऑप्शन है, मैनेज क्रेडिट कार्ड यूसेज का ऑप्शन है, आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। इसका जो ड्यू डेट है 9 नवंबर है 590 रुपये का। और यहाँ पे मैनेज यूसेज क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करके इस कार्ड को पूरा मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए सब कुछ ऑफ है, और यहाँ पे इंटरनेशनल यूज के लिए भी मैंने सब कुछ ऑफ करके रखा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड को फुली तरह से यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस कार्ड को UPI में ऐड करके पैसा किसी को भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो रहा है, नहीं एक्टिवेट हो रहा है, तो आप हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।